नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बुधवार को वरिष्ठ भाजपा नेता संदीप पाठक ने उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक सहित राजस्व मंत्री अनूप प्रधान, बाल्मीकि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से मुलाकात कर जन समस्याओं के निराकरण की मांग की, जिस पर जल्द से जल्द समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया गया। इसके साथ ही संदीप पाठक द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रायबरेली सीट पर विशेष चर्चा करते हुए अपनी बात रखी और पार्टी हित में सुझाव भी साझा किए। रायबरेली से ब्यूरो वसीम खान की रिपोर्ट। कल मैं लखनऊ गया था, रायबरेली की तमाम जन समस्याएं थी और मैं कल उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय बृजेश पाठक जी से आवास पर मुलाकात की, उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री माननीय अनूप प्रधान वाल्मीकि जी से आवास पर भेंट हुई, परिवहन मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह जी से मुलाकात हुई। मैंने वहाँ राजस्व से संबंधित एक गंभीर मसला था जो यहाँ पे तहसीलों में जो पैमाइश के कार्य रुके हैं नक्शे के बगैर, मैंने वहाँ पे मांग की है कि राजस्व परिषद से प्रमाणित नक्शे हमारी रायबरेली जनपद की तहसीलों में जहाँ नक्शे बहुत जगह के नहीं हैं उनको उपलब्ध कराए जाएं। तो उसमें मंत्री जी ने राजस्व परिषद को लेटर भी जारी कर दिया है और शीघ्र ही ये समस्या का निदान होगा। और स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं थी जिस पर हमने डिप्टी सीएम साहब को भी अवगत कराया। लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर के भी चर्चा हुई थी? हाँ, लोकसभा 2024 मिशन के पर भी चर्चा हुई थी जिस पर हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में पूरे दम और जोश के साथ, एक एक कार्यकर्ता हमारा प्रशिक्षित है बूथ पर लेकर, तो हम लोग पूरे जोश के साथ। 2024 में रायबरेली में क्या भूमिका रहेगी उत्तर प्रदेश? रायबरेली सीट पूरी तरह से हम लोग विजयी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ परचम खिलेगा, कमल खिलेगा और हम लोग पूरी तरह से मोदी जी और योगी जी के मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं। फिर से हम लोग मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, यही संकल्प है हम लोगों का। एक एक कार्यकर्ता में जोश है, चुनाव का इंतजार है, हम लोग पूरी तरह से तैयार। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।